إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. अब स्पेसिफ़िकली बकरा की आयत नंबर 220 टू टू से 222 से आयली ज़िंदगी से मुतक जो चीज़ें हैं और खूस उनमें औरतों से रिलेटेड फ़िकी अहकाम मसाइल प्लस तलाक का जो मसला है उसको बड़ी तफसील के साथ अगली कई एक आयात के अंदर कवर किया गया है ज़ाहिर है कि माशरे की जो बुनियाद है वो ख़ानदानी सिस्टम के ऊपर है इसीलिए अल्लाह ताला ने जो तलाक़ के मसाइल हैं या औरत और मर्द में अगर निकाह के बाद शादी के बाद इख्तलाफ हो जाए तो उन मामला को किस तरीके से टैकल करना है इन सारे मामलों को अहादीस और सुन्नत के ऊपर नहीं छोड़ा बल्कि क़ुरान में बड़ी डिटेल के साथ एड्रेस किया और ये इस एतबार से एक शादीशुदा ख़ानदान के लिए मियाँ बीवी के लिए अहम तरीन आयात हैं इन मसाइल को सीखने के अतबार से जस्ता जस्ता जहाँ इन से रिलेटेड अदीस आएंगी इन वो भी बयान करता चला जाऊँगा चूँकि ये तलाक़ का मसला बहुत सेंसिटिव है और उसके बाद बच्चों का जो नानो नफका का इशू है या तलाक़ के बाद अगर रुजू का तरीका है तो क्या है हलाले से मुतल ये सारे के सारे अहकाम इन शाह हो जाएंगे आउदबिल्ल हम शैतवान बिसमिल्लर रहीम नसाकुम हरसलकुम तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं क्या खूबसूरत अंदाज है परदे के अंदर गुफ्तू करके एक सेंसटिव टॉपिक को बड़े अहसन तरीके से एड्रेस किया जा रहा है तो हर सकुम ना तुम तो अपनी खेतियों में आओ जिस तरह से भी तुम चाहो इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि यहूदियों के यहाँ ये एक मिथ पाई जाती थी कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ के साथ इस दवाजी ताल्लुक इस एतबार से कायम करे कि वो उसकी वाइफ जो है वो अफजार है कि मैं कंट्रोल फाज में ही गुफ्तू करूँगा मैंने सेक्स के रिलेटेड मसला नंबर 155 डिटेल के साथ रिकॉर्ड करवा दिया है बार बार उन टॉपिक्स को उस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ तो उसी तरीके से कायम हो जो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है जिस जगह से ताल्लुक़ कायम करना है लेकिन उसके लिए अगर वो ख़ाम जो है वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ पीछे की तरफ से कायम करे लेकिन ताल्लुक उसी जगह पर कायम करे जहाँ पर कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है क्योंकि खेती जब बात की गई है तो बीज बोने की जगह वहीं पर है कि वहाँ पर अगर बीज बोया जाएगा तो औलाद पैदा होगी तो यहूदियों के यहाँ यह था कि अगर आ, सामने से तल्लुक़ कायम किया जाए तो औलाद ठीक पैदा होती है और अगर दूसरी तरफ से ताल्लुक़ कायम किया जाए लेकिन किया सामने वाली ही जगह पर किया जाए तो औलाद जो है वो भेंगी पैदा होती है तो उस मिथ को तोड़ा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं तो खेती में जो बोने की जगह है वहाँ पर चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से इससे मुराद ये नहीं है कि वो गैर फितरी ताल्लुक़ कायम किया जाए जो मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करने को उमूमन हम कौम लूत का अमल कहते हैं या अमल लवातत भी कह देते हैं बाज़ लोग तो वो ना बीवी के साथ जायज़ है ना किसी और के साथ वो तो, तो जामत में हदीस है कि ऐसे मर्द के ऊपर लानत है जो अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ताल्लुक़ क़ायम करे और मर्द के साथ करे उस पर भी अल्लाह की लानत है बाकायदा उसकी सज़ाएँ शरीय के अंदर आई हैं इस पर मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग करवा चुका हूँ बच्चों के साथ ज़्यादा वाला इशू उसके ऊपर आप देख लें मैंने डिटेल से अदीस बयान की थी आज मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा चूँकि ऑलरेडी इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ लिहाजा बार बार उन टॉपिक्स को अंडर डिस्कशन लाया जाए तो फिर ज़रा मामला डिफरेंट हो जाता है इसी तरीके से जाम में हदीस है कि जो अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करता है तो वो इस्लाम की शरीयत का ही इनकार करता है नाऊदबिल्ला इस किस्म के कई एक वहीदे हैं कई अदीस में मौजूद हैं अब जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है इसके बाद उसका मकसद बयान किया जा रहा है वो क्या है वद्दमूल या अंग और अपने भलाई के लिए जो मामलात हैं उनको आगे भेजो यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक़ क़ायम होने से अल्लाह ताला औलाद देगा और मकसद निकाह का औलाद का हुसूल है और ये अल्लाह ताला के हुजूर तुम्हारे लिए ज़ाहिर है कि एक सदका जारी है अगर औलाद नेक काम करेगी तो इसलिए तो हमें दुआ सिखाई गई है ना हबलना मिन अजवाजिना व रबा क़ुर्रत हबलाना व अजवाजी लिल मुत्तकीना इमामा सूरतफ़ुर के अंदर अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलाद के अंदर हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें परहेजगार लोगों का इमाम बना यानी हमारी आने वाली नस्लें भी दीन पर चलें हम उनके अबा अजदाद कहलाएं क्योंकि वह सदका जारी है सही मुस्लिम में हदीस है कि मुर्दे को तीन अमल का सवाब मिलता है मयत को नंबर वन सदक़ जा रिया जो उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम किया कि उसके बाद भी वो चल रहा है किसी ने कुआं खुदवा दिया था उसके मरने के बाद भी लोग उससे पानी पी रहे हैं उससे स्वबाब मिलेगा तो ये लॉजिकल है नंबर दो इल्म की बात किसी ने किसी को इल्म दीन सिखाया था और मरने के बाद वो उस इल परमल करता है या लोगों को सिखाता है या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन उसने दे दी थी जैसे कि माम बुखारी माम मुस्लिम ने किताबें लिख के हमारे हवाले की हैं अब उनको फोत हुए आलमोस्ट बारह सौ साल हो चुके हैं लेकिन उनके नामा माल में इस नेकी का सवाब मिल रहा है इसी तरीके से हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी या मौत के साथ नहीं है जब तक ये चीज़ें देखी जा रही होंगी वो नामा माल में ऑटोमेटिकली सवाब आएगा क्योंकि ये एफर्ट है उस बंदे की खुद अपनी एफर्ट है और तीसरा फरमाया नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है बल्कि नेक औलाद जो अमाल करती है उसका भी ऑटोमेटिकली सवाब माँ बाप को मिलता है क्योंकि वो उसकी इन्वेस्टमेंट होते हैं सोनू ने अपने बाजा में हदीस है कि एक शख्स का यानी अल्लाह के हुजूर व पेश होता है मरने के बाद तो उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं तो वो पूछता है कि ये तो मेरा अमल नहीं था तो अल्लाह ताला उससे फरमाता है कि तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तार किया है उसकी वजह से अल्लाह ने तुझे तेरा ये मरतबा बुलंद कर दिया तो ये एक फैज़ इस हवाले से पहुँचता है ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है मैंने इसके ऊपर मसला नंबर सेवेंटी फोर इसे सवाब के ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया आलमोस्ट दो घंटे का मेरे जो दो घंटे या तीन घंटे की वीडियोज़ हैं उनमें से सबसे टॉप पे जो वीडियो गई है वो इसाले सवाब वाली है क्योंकि ये हर घर का मसला है किसी की औलाद फौत हो जाती है किसी के महा बाप फौत हो जाते हैं किसी की बीवी मर जाती है फिर मरने के बाद उनको ख्याल आ रहा होता है कि अब हम इनके लिए क्या नैकी कर सकते हैं तो वो फिर पूछते हैं तो नेट पर जब भी कोई साले स्वाब का आप लफ्ज लिखे ना दुनिया में कहीं बैठ के तो सबसे टॉप पे वो वाली वीडियो खुले क्योंकि सब ज़्यादा लोगों ने देखी है उसमें तो मैंने कई एक अदीस बयान किए हैं कुरान पाक से दलाइल पेश किए हैं कि मैत को मरने के बाद सवाब पहुँचता है उन नेक अमाल का जो उसने दुनिया में किए या उसकी तरफ से जो सदका और खैरा बाद में किया जाता है बाकी रह गए ये तीजे चालीसवें और कुरान पढ़ के बख्शना तो ये सारी सब कॉन्टीनेंट की बिदात है जो अब आलमोस्ट सब के यहाँ ही आ चुके हैं बरेलव्यू से तीजा या सोय या दसवा या आप कह लें चालीसवा कह के मना लेते हैं दो उसी को कहते हैं दुआ होगी लफ्ज उन्होंने दुआ होगी पढ़ रहे वो भी वहां पे भी कुरान पढ़ पढ़ के बख्श रहे होते हैं और ऐसे लोगों को कुरान बख्श रहे होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी खुद कुरान खोल के नहीं पढ़ा होता है कि कुरान में अल्लाह ने हमें क्या बताया अब मुझे बताएं आप लोगों का क्या पूरी उम्मत बैठ के एक ऐसे बंदे पर कुरान पढ़ती है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह को इतना भी सीरियस नहीं लिया कि वो कुरान खोल के पढ़े कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या हुक्म नाजिल किया है तो आप लोगों का कुरान पढ़ना ये धौंस के साथ मरे हुए बंदे को बख्शवा सकता है नॉट एट ऑल वैसे अगर औलाद उसकी कुरान पढ़ रही है वो खुद भी जो कुरान पढ़ रही है नमाजें पढ़ रही है उसका स्वभाव उसके माँ बाप को पहुँच रहा है वो एक अलग से चीज़ है लेकिन अल्लाह के ऊपर किसी की धौंस नहीं है ये जेन में रखिएगा वैसे तो हमें पढ़ाया जाता है जी वो अल्लाह ताला तो छोटी सी बात पे भी बख्श देता है जी वो जी एक बदकार औरत थी बुखारी मुस्लिम में आता है उसने एक प्यासे कुत्ते को अपने मोजे में पानी पिला दिया था कुएं से निकाल के अल्लाह ने इसी पे उसे बख्श दिया अच्छा अब आप इस हदीस को बयान करके आप ये समझते हैं कि नबी इस्लाम ने आपको इससे नवजबिल्ला ये तालीम दी है कि जो बदकारी का अड्डा चला रहा है वो चलाता रहे बस कभी कभार गरीबों के ऊपर या कुत्तों के ऊपर कुछ खर्च कर दिया करें अगर आप ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं तो कितना ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं ये तो किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी किसी बड़े से बड़े गुनागार शख्स की भी जरूरत नहीं होगी कि वो रसुल्ला पर झूठ बांध दें कि आप ये तरगीब दिला रहे हैं क्योंकि पूरा कुरान जो है वो इसके खिलाफ खड़ा है अहदीस इसके खिलाफ खड़ी है ला तक्रबना जिना, जिना के करीब भी नहीं जाना करने की तो बात बड़ी दूर की है ये यह नबीम ने सिर्फ इसलिए बातें बयान की हैं ताकि कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली वईदों पे इस कदर जो है पैसेमिस्टिक अप्रोच ना अडॉप्ट कर ले कि बिल्कुल मायूस हो जाए जो कुरान में कहा गया ला तकनतु मिर रहमतिल्ला तो ये एक ही वाक्य है ना ये तो नहीं है कि हजारों वाक्यात रिपोर्ट हुए हैं अच्छा इसके बरस भी वाक़ात मौजूद हैं वो कोई कोट नहीं करता वो भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि एक बड़ी नेक औरत थी उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया वो भूखी प्यासी मर गई तो नबी सल्लासरमाया अगरचे वो नेक औरत थी लेकिन एक बिल्ली के साथ ये जुल्म करने की वजह से वो जहन्नम में है तो अल्लाह ताली अगर किसी शख्स को छोटी सी नेकी पर बख सकता है तो छोटे से गुनाह पर उसे पकड़ भी सकता है लेकिन ये बात यह राग नहीं ला पा जाता कि भाई छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो पकड़ हो सकती है दूसरी तरफ अगर आप ये बयान कर दें तो उल्टा रिजल्ट निकालते हैं वो कहते हैं इसीलिए तो हम नेकियां करते हैं नहीं है अल्लाह का क्या पता है वो छोटी सी बात के ऊपर फिर पकड़ ले तो करने की जरूरत ही नहीं है इस मामले में दूसरी तरफ चल पड़ते हैं तो इसका इलाज पंजाबी में है कि दिल बेईमान ते हुज्जता टेर अगर दिल में बेईमानी उतरी हुई है तो हजत जाली दलीलें लेम एक्सक्यूजेस आपके पास बहुत हैं और अगर आप वाकई ये यकीन रखते हैं कि मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है फिर तो छोटे छोटे मामला भी आपके लिए सीरियस होंगे व तकुल्लाह और डर जाओ अल्लाह से वायला और जान लो अन मुलाकू के बेशक तुमने मरने के बाद उससे मुलाकात करनी है वह बशरमीन और खुशखबरी ए नबी नबीसलाम दे दीजिए अहल ईमान को मरने के बाद मुलाकात होनी है और खुशखबरी किसके लिए है अहल ईमान के लिए बेईमानों के लिए खुशखबरी नहीं है उनके लिए अजाब तो यह है असल तलवार जो लटक रही है कि तुम्हें अपने रब से मिलना है अगर रब से ना मिलना हो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट क्यामत के दिन की जवाबदेही ना हो फिर आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारें देखें अगर हमें मौत ना आए हमें तकलीफ ना आए ये दो चीजें ना हो तो अल्लाह आपकी जरूरत ही नहीं रहता अल्लाह हमारी जरूरत क्यों है हमें तकलीफ आती है जो हम दूर नहीं कर सकते अल्लाह की तरफ रुझू लाते हैं और हमने मर जाना है मरने का मतलब यह है कि जिसने मारा है उसने जिंदा करके पूछना है अगर मुझे मौत ही ना आए मैं किसी को जवाब दे ही ना हूं आज जरा आप ये एनालिसिस करवा लें अल्लाह की तरफ से अगर ये ऑफर दी जाती ना कि भाई जो नेक अमाल करेगा उसे जन्नत मिलेगी और जो बुरे अमाल करेगा उसे जहन्नम नहीं मिलेगी सिर्फ यह है कि जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा तो मैं देखता हूँ जनाब कितने लोग नमाज पढ़ते हैं ये उसी तरीके से है जिस तरह हमारे टी वी पर आके ये एक एंकर्स कई एक, 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 एक पॉलिटिशन्स इदारों के लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं हम तो मुल्को कौम की खिदमत कर रहे हैं एक दिन इनको कहना आप कि भाई आंदा से आपसे खिदमत ही लेंगे तनख्वाह बंद प्लाट मिलने बंद तो ये सारी मुइबुल वतनी जो है ना वो वॉमटिंग होकर बाहर आ जाएगी क्यों ये सिर्फ लबादा ओढ़ा हुआ छोटे छोटे पर्क से ले लिए जाए ना तो ये कहते हैं है, इस्तीफा दे दूंगा हमने तो इन इधारों में सारा ऑब्जर्व किया ना पुरानी गाड़ी दे दी है तो मैं छोड़ के जा रहा हूं यह हालत होती है और वैसे आप तकरीरें कराएं तो मुबुल वतनी के लेक्चर सुन लें कुछ भी नहीं इधर भी जो लोग कह रहे हैं ना वो जो नमाज नहीं पढ़ रहा होता ना वो भी कह रहा होता है और जी इसी तो अल्लाह की नमाज़ पढ़नी है को मौलवियों की पढ़नी है वो भी बड़े फ़ख्र से बता रहा होता है कि भाई मैं तो अल्लाह की नमाज़ पढ़ता हूँ ठीक है अल्लाह ने साधी नमाजा नहीं चाहिए अल्लाह की इतनी व्डी हस्थि है बख्श देगा ये सारे जो जहल हैं वो इस किस्म के एक्सक्यूज़ पेश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह का तारुफ़ नहीं होता इसका तो मतलब है कि अल्लाह ने किताबें वैसे ही भेज दी पैगम्बर वैसे ही भेज दिए कुछ भी नहीं होना था आज अगर, अगर अल्लाह की तरफ से ये अनाउंसमेंट होती ना कुरान में कि जो नेक नेकमाल करे उसे जन्नत जो ना करे उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा सिर्फ जन्नत से महरूम किया जाएगा सारे कहते जनाब कोई जरूरत ही नहीं करने दी इसी लाइफ को एंजॉय करो ये जो तलवार लटकी हुई है ना मुलाकात की ये है असल तलवार जिसकी वजह से इंसान जो है वो फिर आमादा हो जाता है अल्लाह की तरफ इसमें ये चीज़ इम्प्ल है कि फिर ये जो जन्नत की लालच है और जहन्नम का खौफ ये हमारे ईमान का हिस्सा है सूर्य सजदा में है कि अल्लाह के बंदे जो हैं उस खौफ़ और तमा लालच की वजह से उसको पुकारते हैं ये कोई ऐब नहीं है क्योंकि जन्नत की लालच किसने दी है शैतान नहीं अल्लाह ने तो जो लालच अल्लाह दे रहा है उस लालच की तरफ जाना और उसको फ़्रिया बयान कर रहा है कि मेरी रहमत का मुकाम है उस जन्त की तोहन करने वाला तो काफिर है हाँ सूफिया लाग कहते रहे जी हम जन्नत को आग लगा देंगे और रोजक को जो है वो ठंडा कर देंगे ताकि लोग अल्लाह के लिए इबादत करें ये नॉनसेंस बात है ये जो लोग कहते हैं ना इनको जरा एक एक दिन के लिए नहीं है एक मिनट के लिए जो है ना इनको मोमबत्ती पर जरा हाथ रखवाएं सारी बुजुर्गी बाहर आ जाएगी नदी ठीक है ना तो वो जनाब वो कहते हैं जी बजीज बुस्तानी फरमाते थे कि क्यामत वाले दिन मैं अल्लाह को यह ऑफर दूंगा कि मुझे अकेले को दोजक में डाल दे और पूरी इंसानियत अगर बख्शी जाए तो मैं दोज में जलने के लिए तैयार हूँ आप जो अंदाजा करें इन लोगों को पता ही नहीं कि दोजक चीज क्या है ये बात तो कभी किसी पैगम्बर ने नहीं की है वो भी डरते रहते हैं अल्लाह कहता है कि जो जहन्नम पे ईमान लाने वाले लोग हैं वो तो हर वक्त डरते रहते हैं और जो ईमान नहीं लाने वाले हैं वो कहते हैं कब आएगी कब आएगी सूर्य अशूरा के अंदर तो बेसिकली इन लोगों को पता ही नहीं था इसीलिए इस किस्म की बातें करते रहे और मत बनाओ अल्लाह के नाम को कसम के जरिए रुकावट अपने में किस इशू में अंतबर, अंतबर तबरू व तु व तु बीन नास कि तुम नेकी का काम ना कर सको परेजगारी ना कर सको और लोगों में सुलह कराने से बाज रह हो यानी एक बंदा है कई लोग हैं मैंने देखा है मैं जनाब कसम खा लेते हैं भाई कसम उठाऊंगा मैं इस बात की कि मैंने इनके मामले में नहीं पढ़ना अब नजर आ रहा है कि उसी बंदे के उस मामले में पढ़ने से मियाँ बीवी के ताल्लुक में जो रखना आया है वो फेल हो सकता है चांसेस हैं अब वो कहते नहीं मैं तो कसम खा दी है मैं इन्होंने काम में पैड़े ही नहीं मेलूख ये कहते हैं बाल लोग जो हैं और उसके से कितना नुकसान करा बैठते हैं इवन किसी के साथ नेकी करनी होती है कसम खा लेते हैं। जैसा कि वो सूरत तो नूर में आया था ना वो मिस्ताह से हबी थे एक असाब बदर में से थे अज़रतशा में तोमर लगाने वालों पर वो शामिल हो गए थे अजरत बकर ने कसम खा ली कि भाई मैं वो खर्चा लगाया हुआ था महीने का मैं आंदा से इसको खर्चा नहीं दूंगा अल्लाह ने जनाब कुरान में कहा कि तुम अल्लाह के लिए दे रहे थे तो तुमने ये कसम क्यों खाई है सर आप होते तो आप कहते जी गुस्ताखी है साहबा है उस साहबा था कि टू नाइन्टी फाइव सी तो सी मिस्ता लवानी सी कि भाई़ूर की बीवी जुनेद जमशेद साहब के साथ यही तो किया है ना बात सईद आयशा की हो रही थी अदीत से हो रही थी अंदाज़ पर किसी को इख्तलाफ़ हो सकता है बातें दुरुस्त थी तो उस पर टू नाइन्टी फाइव सी लगवाई कि चूंकि हज़रत ऐशा हज़ूर की बीवी है लिहाजा हजरत ऐशा में बात करना रसुल्ला की गुस्ताखी है सर अगर आप ये क्रॉलीस बनाएंगे ना तो आज के भी किसी सैयद की गुस्ताखी करना रसुल्ला की गुस्ताखी है वो किसकी औलाद है हजूर की अहल बैद तो है ना और सही मुस्लिम गदीर खूम की हदीस में है कि अहल बैद के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ वो तो सर के चर्सी पोट्री जितने सैयद फिर रहे हैं इनकी तोहही तो सीधी टू नाइन्टी फाइव सी लग जाएगी तो ना इनकी वजह से लग जाएगी ना नबील इस्लाम की किसी सहबी की तोहन से रसुल्ला की तोहन होगी कभी कह देते हैं फलां हजूर का जो है वो सुसर लगता है इस पर बात करना हजूर के पर बात करना है और भाई सर रसुल्लम पर बात कभी भी इस तरीके से नहीं बनेगी सलाम की अपनी जात ज़ो है ना वो है वरना तो सलाम का फरमान है जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी तो कितने जो है बुजुर्गान दीन आपके फारिग हो जाएंगे रसुल्ला को गाली देने वाला तो गुस्ताख है ना लेकिन हज़रत अली ने भी कभी इसकी यह तावील नहीं की कि मुझे गाली देना है रसुल्ला को गाली देना है तो लिहाजा जो मुझे गाली दे रहा है वो काफिर हो रहा है हालांकि हजरत अली के पास बहुत मौका था ये बात करने का लेकिन वो भी समझते थे कि भाई रसुल्ला का जो स्टेटस है वो उम्मत में किसी का भी नहीं है दीन अल्लाह रसूल कुरान आखरत को मानने का नाम है किसी सिहाबी को किसी शख्सियत को मानने का नाम नहीं है वो मारली एहतराम है लेकिन वो कुर इस्लाम का मसला नहीं है तो इस रेशो प्रोपोर्शन को आप समझें तरफ तो हमारे बाद लोगों को आदत पड़ती है अल्लाह की कसम मैं अब यह नहीं करूँगा अब वो कहते मैंने तो कसम उठाई अगर मैंने अब यह काम किया अल्लाह की कसम मैं इस मौली पीछे नमाज नहीं पढ़नी अब बाद में सास हुआ खाम खाम उठा ली थी या ये कोई इतना इशू नहीं था या इवन इशू भी था देन वट मुसरद बीजाला में मौजूद है हसन वैन सामने बैठे होते थे मरवान जो हजरत अली पे लान करता था नमाज पीछे पढ़ लेते थे वो कहते थे नमाज पढ़ना अलग मामला ये अल्लाह को खुद जवाब देगा यह है एटीच्यूड तो अल्लाह तौम तो मारा नेकी के काम से नहीं रुकना इस बात पे कि मैंने तो अल्लाह की कसम खा ली है मुराद ये कि कसम खाई है तो फिर तोड़ दो बुखारी मुस्लिम में हदीस है हुजूर कहते हैं मैं बात अरबियों में ये आदत थी कि वो कसम खा लिया करते थे आदतन भी हुजूर हज़ूसम फरमाते हैं बात तो मैं कसम खा लेता हूँ कि मैं फ़लां शख्स को माल गनीमत में से नहीं दूँगा बाद में मुझे एहसास होता है कि नहीं यार ज़ाहिर हुज़ूर की तबीयत में नरमी तो बहुत थी ना इतनी नरमी है कि गजलें बदल के कैदी छोड़ दिए और अल्लाह ने इतने सख्त तबियत की नरमी की छोड़े थे है, तो मैं अपनी कसम तोड़ के उसका कफारा अदा कर देता हूं और वह मैं काम कर लेता मुस्लिम दोनों में है। तो अगर किसी ने कसम खा ली है कि मैंने किसी के साथ नकी नहीं करनी है तो अब वो कसम तोड़े कफारा अदा करे कफारा सूरतमादा की आयत नंबर एटी नाइन में आया है, कसम का कफ़ारा कि एक गुलाम को आज़ाद करे ग़ुलाम नहीं है तो दस मस्किनों को वो खाना खिला दे या दस मस्किनों को कपड़े ले दे दे आज के दौर में तो खाना खिलाने की आसान है कपड़े तो बड़े महंगे ने ठीक है इन दोनों में से एक काम कर ले और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो तीन रोज़े रख ले और बुखारी मुसम अदीस है कसम तोड़ने का कफ़ारा वही है जो कुरान में आया और मन्नत का भी कफारा यही है किसी ने मन्नत मानी थी कि अगर ये काम हुआ तो मैं रोजाना जनाब सौ नफल पढ़ा करांगा कई लोग इस तरह की भी मनते मान लेते हैं या मैं एक हजार नफल पढूँगा। ये मेरा काम हो गया अब बाद में उसको एहसास हुआ कि हजार नफल पढ़ना मुश्किल है तो अपनी मन्नत तोड़ दे और कफारा अदा करें और ये तो उस मन्नत की बात है जो हलाल मन्नत है अगर किसी ने हराम मन्नत मानी हुई है कि जी अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जो बच्चा पैदा होगा उसकी लंबी सी एक चुटिया रखूँगा फलाम बाज़ार पर जाके कटवाऊँगा और अब इस मन्नत को तोड़ना चाहता है तो इस मन्नत को तोड़ने का कफ़ारा भी नहीं होगा ये खिलाफ शरा मन्नत है जो शरीयत की बाउंड्री के अंदर मन्नत है ना उसका तोड़ने का कफार है बाकी का नहीं है और वो भी बुखारी मुसलम हदीस है कि मन्नत कभी भी मुसीबत को नहीं टालती है हाँ कंजूस का माल निकल जाता है सदके से मुसीबत टाल सकती है लेकिन मन्नत से नहीं लेकिन मन्नत जब वंश खा ली है तो फिर आपने उसको पूरा करना अदरवाइज तोड़ना है तो फिर कफारे के साथ तोड़ना होगा कसम और मन्नत के ऊपर मेरा मसला 68 रिकॉर्डेड है उसके अलावा भी क्लिप्स मौजूद हैं तो अल्लाह तरम है कि नेकी के काम से नहीं रुकना यह ना हो कि तुमने कसम खा ली अल्लाह की नेकी परहेजगारी और आपस में सुलह करवाने से रुक ना जाओ वल्लाहु समी नलीम अल्लाह ताला खूब सुनने वाला इल्मा है अच्छा कई लोगों ने कसम खाई होती है अपनी बीवी को वो कह देते हैं जनाब कि मैं कसम खाता हूं कि अगर तू फां से मिली ना तो मेरी तरफ से फारेगा यह तीन तलाक हैं और फिर बाद में एहसास होता है कि ये इसने तो बास कोई नहीं आना ये तो मिलेगी और बीवी भी जाती रहेगी फिर वो इधर अकेडमी में फोन कर रहे होते हैं जनाब क्या करें तो तोड़ दें आप कसम लेकिन ये याद रखिएगा अगर वो बीवी मिल ली उसको अपने भाई को या ससुराल में कोई इशू था महके चली गई है जो आपने मना किया था तो अब अब कुछ नहीं हो सकता मिलने से पहले पहले ही आपको कुछ करना है बेहतर है कि किडर रिस्क ना ही लो जनानिया नहीं यह बाज़ आ दिया क्योंकि ये अल्लाह ने औरतों की एक नेचर बनाई है कि उनका जो ज़्यादा एफिलिएशन है वो अपने बहन भाइयों और महके वालों के साथ होता है और ये नेचुरल भी है होना भी चाहिए उसकी वजह है कि आप उसको निकाल देंगे तो उसने किधर जाना है वो तो आपको निकालने से रही इला माशा तो इसलिए उसने अपना ताल्लुक़ तो पीछे रखा होता है इसी के पीछे कई बार भाइयों को वो जायदाद भी माफ़ कर देती हैं कह या भाई रख लें या जायदाद रख लें लानत है ऐसे भाइयों के ऊपर कि जिनके साथ ये मामला है कि उनको उसको रखने के लिए जो है वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ना पड़ता है कि वरासत के अकाम के मामले में ठीक है तो उसके पीछे ये है कि वो इनसिक्योर फील कर रही होती है तो अल्लाह तो हमारे कोई भी काम नेकी से अल्लाह को बीच में नहीं डालना कसम डाल दिए तोड़ो लाख कुमलाई मानिकल्लाह तुम्हारी लव कसमों के ऊपर कभी तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा ये लव कस्में कौन सी हैं ये यह सूरत में भी जाएगा जिक्र इसका आएगा अरबियों की आदत थी कि वो हर मामले में कहते हैं वल्लाह अभी भी आप देखें वल्लाह वल्ला उनका तकिया कलाम है ये लव कसम कहलाती है इस कसम का कफारा नहीं होता ना ये कसम शुमार होती है ना सुनने वाला ये ले रहा होता है कि यह कसम उठा के कह रहा है सुनने वाले कोई कहता ना भाई अल्लाह कसम मैं नहीं मिलना अब ये एक आम फिलबदी कह देने में और ये कहना कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं मैं अपने ऊपर कसम डालता हूं कि फलां को नहीं मिलूंगा ये तो होगी पक्की कसम और एक बोल चाल में वैसे कसम 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 कुछ नहीं होता और कसम भी याद रखिए मुस्तबिल से रिलेटेड है माजी से रिलेटेड कसम का गफारा नहीं होता वो कसम नहीं होती वो झूठ होता है बसल मैं कहता हूँ कि जी एक बंदे ने फलाँ बंदे से मुलाकात की है और वो उसके सामने स्टेटमेंट देता है अल्लाह की कसम मैं उससे नहीं मिला नहीं मिला तो एक पास टेंस की बात है अगर वो मिला भी हुआ है ना तो कसम का गफारा नहीं देगा क्योंकि उसने मुस्कबिल के लिए कोई बात नहीं की है माजी की एक बात पर झूठ बोला है गुनाह कबीरा है लनत का मुस्तक हुआ है तोबा करेगा लेकिन अगर वो कहता है अल्लाह की कसम मैं फलां से नहीं मिलूंगा मैं कसम खाता हूं और कसम जुबान से खानी होती है दिल में सोचने से कसम नहीं होती है में रखिएगा नहीं मिलूंगा मुस्तकबिल की बात अब वो मिलता है या मिलना चाहता है दोनों सूरतों में वो कसम को तोड़ेगा जहरा मिल बैठा तो कसम टूट गई ऑटोमेटिकली कफारा देगा और अगर मिलना चाहता है उससे पहले कसम तोड़ना चाहता है तब भी तोड़ ले कफारा अदा करे ये ज्यादा इशू आता है तलाक के इशूज में जब किसी को धमकी लगाई होती है मैं फलां को मिला तो मेरी बीवी को तीन तलाक या बीवी को कह दिया कि तू जाके अपने भाई से मिली तो तुझे तीन तलाक अब ये वो मामले हैं जो आपको पहले ही तोड़ने होंगे बाद में तो हाथ कुछ भी नहीं रहना ठीक है वो तलाक ही हो जानी है बाद में आप जितने मर्जी कफारे थे बीवी गई कफारे तो बाद में बनेंगी नहीं तो अल्लाह ताला तव कस्में जो वैसे बोलने में कह देते हो ना उसमें पकड़ नहीं करेगा लेकिन ये भी उस सूरत में है जब आप झूठ ना बोल रहे हो एक बंदा जो है वो ख़रीदारी के अंदर कई लोग हैं वो मतलब कसम उठा के झूठ बोल के कहते हैं जनाब के अल्लाह की कसम मेरा तो इतने का माल आया था उसमें तो नबी रस्तम की बुखारी मुस्लिम हदीस है आपने तो सच्ची कसम उठाने पे पर बिकाया कि अगर कोई सच्ची कसम उठा के भी कारोबार करता है ना तो उसका माल तो बिक जाएगा बरकत उठ जाएगी तो झूठी तो बड़ी दूर की बात है तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि भाई गाग टूट जाएगा गाग जिधर जिधर उसने जाना है उधर ही जाना है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें ये फिक्स प्राइस की जितनी शॉप्स हैं इनको क्यों नहीं टेंशन है वो दूसरी बात नहीं करते ब्रांड्स हैं जितने आप देखें आज तक के एफ सी या मैकडोनल्ड पर आपने को लड़ाई होते हैं। देखी है कि जी आप उधर ये भी कहें कि के जी चिकन तो दो सौ से डेढ़ सौ पे आ गया चार सौ से इतने पे आ गया तो आप ये अभी तक वही पीस दे रहे हैं कभी देखी है तो उनका क्या कारोबार बंद हो गया ऐसा नहीं हालांकि पाकिस्तान में जो चिकन ले रहे होते हैं उमूमा ज़ाहिर है कि यहाँ पे तो रेट कम होने से फर्क पड़ता है ना कोई इम्पोर्टेड चिकन तो नहीं होता आलू चले उन्होंने इंपोर्ट किए होते हैं बाहर से वो महंगे वाले होते हैं लेकिन चिकन तो यहीं से वो खरीद रहे होते हैं ना तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए तो उनसे कोई बहस नहीं करता ये तो अब कोरोना की बरकत है कि इनके रेट थोड़े नीचे आ गए क्योंकि वो तो बिल्कुल ही रह गए हैं ना अदरवाइज तो इनके साथ कोई बहस भी नहीं करता था तो उनको कसम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे होते हैं मा का सबत अलूब कुम बल्कि अल्लाह तला उन कस्मों पर गिरफ्त फरमाएगा जो तुमने पुख्ता इरादे के साथ दिल के इरादे के साथ खाई होंगी इसको मैं पहले ही ब्रीफ कर चुका हूँ एक है फिलबदी बोलना और एक है कि मैं कसम खाता हूँ वल्ल वफ़ूर हलीम अल्लाह तला बख्शने वाला है और हिल वाला यानी बर्दाश्त करता है तुम्हारी गलतियों को और बख्श भी देता है लदीन मिन ब्बस सुर, तरब सुरबाति अशहर उनके लिए जो कसम उठा लेते हैं अपने बीवियों के मामले में कि मैं अपनी बीवियों के करीब नहीं जाऊंगा चार महीने की मौलत है फा उसके बाद अगर वो रुजू कर लेते हैं अल्लाह गफूर रहीम तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है अगर किसी ने कसम खाई कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा उसको मैंने अपने बिस्तर से अलग किया तो इसकी अल्लाह ने आखिरी हद मुक की है चार महीने यह नहीं है कि चार महीने के बाद उसकी बीवी उसके निका से निकल जाएगी या तलाक हो जाएगी चार महीने से ज्यादा वो इस कसम को भी नहीं निभा सकता उसको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा कसम भी तोड़नी पड़ेगी एक ईला करना है नबी इस्लाम ने भी अपनी बीवियों से नाराजगी की बुखारी मुस्लिम में आता है एक महीने के लिए ईला किया था तो कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है ये सुन्नत है ये कोई ऐप वाली बात नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चार महीने इसी से फिर खलफा राशिदीन के ज़माने में चीज़ डिडक्ट की गई सईदा हफ्सा के बारे में आता है उन्होंने उम्र को मशवरा दिया था फौजियों के हवाले से कि चार महीने से ज़्यादा फौजियों को जो है वो बॉर्डर पर ना रखा जाए अपनी बीवियों से दूर वो इसी आयद से उन्होंने अखज किया था कि अगर कसम भी खाई जाए तो चार महीने के बाद बीवी का हक है कि मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ क़ायम करें यह औरत का राइट है तो उन्होंने कहा ये अल्लाह ने हाद मुकर कर दी है लिहाजा आप भी किसी फ़ौजी को चार महीने से ज़्यादा अपनी बीवी से दूर ना रखें या तो बीवियाँ साथ लेके जाएँ या अगर एब्सोल्यूटरी ड्यूटी दे रहे हैं तो चार महीने बाद आप ड्यूटी चेंज करें कि चार महीने बाद वो अपनी बीवियों के पास वापस आए ये अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं ना कि जी वो कितनी देर दूर रह सकते हैं लेकिन आप देख लें हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एयर फ्लाइट्स सस्ती होने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से इशूज़ रिजॉल्व हो गए अदरवाइज हम जब छोटे छोटे थे हमने होश में सुना हुआ है कि फलां का खामन पंद्रह साल बाद घर आया बीस साल वाले भी होते थे पच्चीस साल वाले भी होते थे आठ दस वाले तो आम रुल फिरते सन पता नहीं वो किस किस्म के मुसलमान थे और उनकी बीवियाँ किस किस्म की थी और अब इससे निकाह नहीं टूटता कोई लेकिन ये बुराई का दरवाजा खोलता है और अक्सर आप देखते हैं ना कि 28-30 साल के बाद तलाक हो गई है बच्चे भी शादी जुड़ाएं तलाक हो गई है उसके पीछे आप डीप डिग करेंगे अक्सर यही वाली रीजन निकल आती है कोई अफेयर चल रहा होता है या कोई ऐसा मामला होता है और उसमें कसूरवार ये मर्द ही होते हैं जो अपनी बीवियों को साथ नहीं लेके जाते अगर दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं वीकेंड पर नहीं आ सकते फोर्थ आ जाए महीने में आ जाएं, दो महीने बाद आ जाएं, तीन महीने बाद आ जाएं, लेकिन चार महीने में एक दफा आना है ये अल्लाह का हुक्म है इवन कसम भी खा लिए तब भी कसम तोड़नी है चार महीने के बाद आना है चार महीने गुजर गए तो ये नहीं होगा कि तलाक हो जाएगी कसम तोड़नी पड़ेगी टूट गई ऑटोमेटिकली उसका गफारा अदा करना पड़ेगा अब ये अल्लाह तला का हुक्म है अब ये जो लोग अपनी बीवियों से मैंने देखा जो ये कोई ज़्यादा उम्र में पहुँच जाते हैं ना मियाँ बीवी वो तो चार चार पाँच पाँच महीने के साल साल भी बात नहीं करते हैं अक्सर ये होता है कि एक भी एक बीवी जो है वो बीवी जो है वो एक बेटे के पास है तो खामन दूसरे बेटे के पास रह रहा है तो इतनी पक्की उनकी नाराज़गियाँ चल रही होती हैं अच्छा ये सब की सब चीज़ें दीन से दूरी की वजह से जिसे खौफ खुदा है वो इस तरह की हरकतें कर सकता है कि छोटी छोटी बात लेके बैठ जाए ठीक है वैसे कहते हैं जना मर्द मर्द तो वो होता है जो बर्दाश्त करें आप नबी नबीसलाम की आयिली जिंदगी पढ़ के देखें आप आप्लाम को अपनी बीवियों की तरफ से कितना टफ टाइम मिला हती के वो हदीसों पर नहीं अल्लाह ने रहने दिया सूरतलजाब आप पढ़ नहीं सकते कानों से धुआं निकलता है अल्लाह तला फरमा मार है कि इनको तलाक दे दो तो। इनको कहो कि अगर मेरे साथ रहना है तो इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा इसी जोहत की जिंदगी में अगर तुम अल्लाह का अल्लाह उसका रसूल और आखिरत चाहती हो तो फिर इसी तरह गुजारा करो अदरवाइज इन्हें माल दे के तो छोड़ दो और बुखारी मुस्लिम में आता है हज़ू फिर एक एक बीवी के पास गए हैं कि हाँ जी अल्लाह ने ऑफर दिया है फिर जाके उनको ख्याल आया कि ये तो हमारा ही छीन जाएगा ठीक है तो ये एक इसी चीज़ को वो जुने जमशेद साहब डिस्कस कर रहे थे ना कि बीवियों के साथ टॉलरेंस करनी चाहिए बीवी तो पैगम्बर की भी होती है तो ये मामला तो वो गलत बातें तो कोई नहीं की हैं मैंने मसला नंबर वन जीरो फाइव में उससे बड़ी बातें हैं कि एक हदीस के नंबर आप चूकेमान है कहानियों का करा के लोगों को मतलब वो ऐसा को रिलेशनशिप प्रजेंट किया हुआ जिस हजरत आयशा और नबी इस्लाम की आपस में कभी चपकलश हुई नहीं होगी जिंदगी में या हजरत अली और फातमा की आपस में कभी मियाँ बीबी होने के रात चपकलश होगी आपको यही प्रजेंट किया हुआ है वह भी इंसान है क्यों नहीं हुई होगी गलत इमेज क्रिएट किया उस गलत इमेज को बचाने की खातिर कुरान दिस में पर्दे डालने पड़ते हैं लेकिन कितना अरसा डालेंगे आप यह तो अल्लाह का शुक्र है अभी तो मुझे परसों पता चला है कि हमारे यहां पे जो पंजाब के जो गवर्नर हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के चा, चांसलर भी हैं पंजाब के उन्होंने तो बायदा यह चीज यानी ऑफिशियली इसको एज एन एक्ट पास करवा लिया है कि जो मास्टर डिग्री होल्डर या यूनिवर्सिटीज में जो लोग पढ़ रहे हैं जब तक कुरान तर्जमे से वो नहीं सुना सकेंगे उनको डिग्री नहीं दी जाएगी चाहे वो किसी भी फील्ड में तो फिर तो ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी ना अब तो सीखनी पड़ेगी और लोग कई कह रहे हैं जनाब यह कितनी शख्स ज्यादा कर दी है जी उन्होंने यार जो बंदा बैचलर डिग्री में पहुंचा हुआ है वो कुरान उर्दू में तर्जमे के साथ नहीं पढ़ सकता और अरबी मोटी सी नहीं सीख सकता आपको बहुत धकी का अरबी सीखने की जरूरत ही नहीं है जिस तरह हमें से अक्सरियत इंग्लिश बोल नहीं सकती लेकिन समझती तो है ना बस इसी तरीके से आप अरबी बोल ना सकें आपको कवायद ना पता हो आप एफर्ट पुट कर कुरान का तर्जा आराम से कर सकते हैं समझ आ जाती है कुरान की अरबी तो अल्फाज के गर्द घूमती है हाँ जो हदीसों की अरबी है वो प्योर लिटरेचर की उस एतबार से मुश्किल है कुरान चूंकि अल्लाह नेहसान है तो वो उसी के गर्द घूमता है आप देखते हैं बार बार आयात अल्फाज रिपीट होते हैं तो चार महीने से ज्यादा नहीं रहना और फिर अगर चार महीने के बाद भी रहना है तो फिर वह अल्लाह जिक्र कर हुआ इन आज़म तलाक अगर तुमने तलाक का इरादा कर दिया ठीक है फिनलाम तो बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है तो ये एक एक्सेप्शन हो सकती है कि चार महीने के बाद तुम मज़ीद करना चाहते हो फिर तलाक़ का मामला करो ताकि वो औरत आज़ाद हो किसी और खाम से शादी करना चाहती है बनाना चाहती है किसी को तो बना ले ठीक है अब उसको ये तो नहीं है कि अपने बांध के रखना है तुमने लटका के रखना है ये कहानी करना वाली नू और ऐसी औरतें जिनको तलाक दी गई है वो तीन हैजों तक यानी तीन बार हैज आके वो औरत पाक हो जाए वो अपने आप को नए निकाह से रोक के रखेगी जिसको तलाक दी गई है इसका मतलब ये हुआ कि तलाक देने के बाद तीन हैज यानी आलमोस्ट नाइन्टी डेज के अंदर अंदर एक या दो तलाक हुई है तो खावंत अपनी बीवी की तरफ रुजू करके वापस आ सकता है वो औरत में लाजमी है कि अपने आप को नए रिका से रोक के रखें। लेकिन जैसे ही तीन हैज क्रास होंगे यानी तीन बार पीरियड्स आके वो पाक होगी इसलिए तो सही बुखारी बुस्तम आया कि आपने पाकी की हालत में औरत को तलाक देनी है जब औरत हैज की हालत में ना हो ताकि उसके बाद शुमार करना आसान हो एक तलाक भी दी थी, थी और तीन हैज के बाद वह पाक हो गई अब वह आपकी बीवी नहीं रही निकाह गया टूट वो तलाक जो थी तलाक़ रजी जिसमें आप रुझे उसकी तरफ रुजू कर सकते थे वो अब तलाक बाइन बन गई है अब वो हो गई अलग उसकी मर्जी तो आपसे नए निकाह के साथ शादी करे या किसी और मर्द से करें अब आप ये नहीं कह सकते मैंने तो एक ही तलाक दी थी तो मैं रुजू कर सकता हूं रुजू का इख्तियार तीन महीने के अंदर अंदर है नाइन्टी डेज के अंदर उसके बाद आपका इख्तियार ख़त्म आप बीवी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता एक्स बीवी हो गई और निकाह भी नया होगा हाकमर भी नया होगा बिल्कुल जीरो हो, से मल्टीप्लाई होगी पिछला सारा मामला अलबत् अगर तीन तलाकें दी थी तो फिर तो निकाह हो ही नहीं सकता चाहे इकट्ठी दी थी चाहे अलग मजलिस। में अलग से एक मेरा टॉपिक है तीन तलाक के ऊपर रुजू के ऊपर हलाले के ऊपर इसके ऊपर मेरे कई एक वीडियोज यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं आपको समझ आ जाएंगे तो ये तलाक का मसला जो है बहुत सेंसिटिव मसला है लोग शादी करने का शौक होता है ना निकाह के मसाइल सीखे हुए होते हैं ना तलाक के जो काम रोजाना पांच दफा करना है वो भी गलत करते हैं नमाज पढ़ना जो जिंदगी में करना ही एक दफा है वो बगैर सीखे कैसे आ जाएगा कभी भी नहीं आएगा तो तीन महीने तक रोक के रखेगी वो औरत अपने आप को उसके बाद मर्जी इसके साथ शादी कर ले या किसी है। लेकिन तीन महीने के अंदर वो अपने खामद को रुझू करने से रोक नहीं सकती अगर एक या दो तलाक हुई है ना ये है कि बदमाश किस्म के साले सामने आ जाएं कि हमने अपनी बहन को नहीं जाने देना वो आगे आ रहा है वो बुखारी बसन हदीस भी है कि वो एक बार इस तरह औरत जाने लगी तो तो साले बीच में खड़े हो गए ठीक है तो नबी सामने कहा कि तुम लोग कौन होते हो उस, उसकी मर्जी है तो अच्छा उस टाइम तो जोश में ये करवा लेते हैं ना बाद में उन्नीस सालों की बीवियां जो जिल्लत करती हैं ना उस औरत के साथ तो वो कानों को औरत हाथ लगाती है औरत के लिए शेल्टर उसका ही है ना उसके माँ बाप हैं ना आ, उसकी इवन औलाद है उस लेवल पे ना उसके बहन भाई हैं ज्यादा आसानी को रख सकता इसलिए इस मामले को हमेशा कंक्लूड करना चाहिए इस हवाले से तो तीन महीने तक वो रोक के रखेंगी अपने आप को निकल तो इससे पता चल गया कि जो मुतलका औरत है तलाक याफ्ता की इ्जत कितनी है तीन दफा हैज आके पाक होना या उसको अप्रोक्सीमेटली तीन महीने कह लें लेकिन ये इज्जत है मुतलका की एक औरत होती है बेवा बेवा वो है जिसकी हा जिसका हामन फौत हो गया उसकी इद्दत जो है ना वो चार महीने दस दिन है वो भी कुरान में सूरत बकरा में आई है बेवा की इ्ज्जत चार महीने दस दिन है तलाक याफ्ता की इद्दत तीन दफा पाक होने ऑलमोस्ट नाइन्टी डेज और एक और औरत है जिसने तनसीखे निकाह करवाया है जुडिशरी से अदालत से जिसे हम कहते हैं खुला लेना उसकी इ्जत एक महीना है वो कुरान में नहीं आई वह बुधोत मुजीब ने माजा में आई है कि जो खुला वाली औरत है उसकी इद्दत कितनी है एक महीना एक महीने के बाद उसे इजाजत है लेकिन यह जितनी इद्दतें मैं बयान कर रहा हूं नंबर वन मुतलका की आलमोस्ट तीन महीने नंबर टू बेवा की चार महीना दस दिन नंबर थ्री खुला लेने वाली औरत की एक महीना ये सब्जेक्टेड टू है कि वो औरत प्रेग्नेंट ना हो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो ये अब आ रहा है आगे ये मसला औरत अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसकी इद्दत तब खत्म होगी जब वो वजह हमल हो चुकेगा चाहे वो आठ महीने लग जाए छः महीने लग जाए नौ महीने लग जाएँ और चाहे एक दिन बाद हो जाए ये भी याद रखिएगा कुरान ने रिलैक्स किया है कि जो हामिला औरत है ना उसकी बाकी सारी इद्दतें ख़त्म हो जाएंगी अगर वज़ हमल हो जाए इवन आज उसका हामन फौत हुआ है ना और शाम को उसके हाँ औलाद हो गई उसकी इद्दत साथ ही ख़त्म ना अब उसने खामद पे सौक करना है चार महीने दस दिन का वो भी ख़त्म अल्लाह ने उसे जा दी क्योंकि ज़ाहिर है उसको अल्लाह ने एक खुशी दी है ना तो अब खुशी और सौग पैर में तो नहीं चल सकते ना तो उसने उसकी देखभाल भी करनी है बस वो चालीस दिन के लिए अपने आप को रोके रखेगी जितनी देर वो वाला मामला हो उसके बाद उन्हें निकाह भी कर सकती है तो जो हामिला औरत है चाहे वो मुतलका है चाहे वो बेवा है चाहे उसने खुला लिया है उसकी इद्दत जो है वो वज़ हमल होगी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी फिर वो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी फिर उसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगेगा और याद रखिएगा मुतलका औरत तो अपने खामंत की तरफ रुजू नहीं कर सकती अगर तीन तलाकें होगी लेकिन जिस औरत ने खुला लिया तो खुला तलाक के इक्वेलेंट नहीं होता अगरचे उससे निकाह खत्म हो जाता है तो दोबारा वो उसी खामन के साथ निकाह कर सकती है वो मुसन इमाम शाफी में हजरत उस्मान गनी का फतवा मौजूद है कि अगर औरत ने खुला लिया तो वो अपने उसी खामद की तरफ वापस जा सकती है अदरवाइज़ तो हलाला हो जाएगा ना और हलाला भी वो करना और करवाना तो लानत है सुनबिन माजा में हदीस है हलाला करने वाले और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत है वो नेचुरल हलाला अगर हो जाए कि उसने कहीं और शादी की बाई चांस वो खामन भी मर गया या उसने भी तलाक़ दे दी फिर पिछले खामन की तरफ आ सकती है वो आगे आया आ जाएंगी प्री प्लान हलला ये हराम है इसी तरीके से हरामा भी हराम है कि तलाकें तो दे दी थी आप फतवे लेते फिर रहे तीन तलाकें हुई बात ख़त्म हो गई तीन तलाकें दे के भी लोग पूछ रहे होते हैं आप क्या करना है इवन यहां तक भी हमें यहाँ पे फोन आते हैं कि जी एक तलाक दी थी साल पहले दूसरी दी थी, थी तीन महीने पहले अब तीसरी भी दे दी है तो अब कैसे रुजू करें भाई आप तो हरामा करवाने वालों के नज़दीक भी लालानी और कुछ भी नहीं होना आप और यहाँ लाले वाले मौलवी भी, भी हैं जो लाले निकलवाते फिरते हैं ये तो हराम है लानत फरमाइए नबी नबीलाम ने तो ये सारे मसाइल मैंने इसमें कवर कर दिए बाकी मेरा यूट्यूब पर क्लिप आप देख लें निकाह तलाक रुजू और हलाला इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर और खुला वला तुम न मा खलाफ़ी मा हा फी हिन्न और उनके लिए हरगिज ये हलाल नहीं है कि जो अल्लाह ने उनके रहम के अंदर जो पैदा कर दिए चीज़ यानी अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं हामला हैं तो वो उसको छुपाए ये उसके लिए हलाल नहीं है इनकुन ना यु मना ना बिल्ला वालय आखिर अगर वो वाकई अल्लाह और योम आखरत पे ईमान रखने वाली औरत है क्योंकि अब ये तो आज कल है ना आजकल भी टेस्टिंग के बगैर तो नहीं पता चल सकता शुरू की अगर प्रिगनेंसी है एक महीने की इवन दो महीने की तो आम बंदा तो जज नहीं कर सकता उस औरत को तो पता है और वह छुपा जाए इस चक्कर में कि मैं नया निकाह कर लूँ क्योंकि आप उसे पता है कि ये दो महीने हैं तो अब मुझे मजीद छः सात महीने इंतजार करना पड़ेगा वज़ह अमल का फिर मैं नया इनका कर सकती हूँ तो वो उस चक्कर में बचाने के लिए झूठ बोल दे तो आप मुझे बताएं वो जो ओलाद होगी तो उस वो खुद भुखतेगी अब बाद में ओलाद होगी तो वो मर्द उस ओलाद को ऑन करने से इनकार कर देगा मेरा बच्चा ही नहीं है तू किधर और दूसरा वो मर्द उसको ऑन नहीं कर सकता वो उसका बच्चा है भी नहीं है तो बड़ी कॉम्प्लिकेशनस आ जाएंगी इसलिए जो औरत प्रेग्नेंट है वो जब तक वजह हमल हो के उसके बाद भी जो चालीस दिन है ऑलमोस्ट वो गुजर ना जाए वो नया निकाह नहीं कर सकती वरना तो इश्यूज खड़े हो जाएंगे इसी तरह लोग मसाइल पूछ रहे होते हैं कि किसी मर्द औरत ने आपस में बदकारी की है मियाँ बीवी नहीं थे तो बाद में कहते हैं जी वो निकाह ही करवा देते हैं जी आपस में उनका तो निकाह करवाने से भी वो जो निकाह से पहले वाला मामला हो गया अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है तो वो बचा तो उस मर्द का शुमार नहीं किया जाएगा वो तो आउट ऑफ लॉक पैदा हुआ है तो ये सोल्यूशन नहीं है इन मामला को पहले देखने की ज़रूरत है तो जो औरत अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखती है ना उसे जवाबदेही का अगर खौफ है वो कभी भी हरकत नहीं करेगी कि वो अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए वन अक हिन्न और उनके खामन ज़्यादा हकदार हैं उनकी तरफ लौटाया जाए उनकी औरतों को यानी एक तलाक या दो तलाकें दी थी अब बाद में मर्द को एहसास हुआ उसने माफी मांग ली कोई टैक्स मैसेज कर दिया गोटे गिटे पकड़ लिए तो अब वो साले बीच में साले बनने की कोशिश ना करें बल्कि अल्लाह तला हमारा है कि उस औरत का हक है कि वो अपने उस खामन की तरफ लौटाई जाए इवन तीन महीने भी गुजर गए, अब औरत आजाद है चाहे उस खामंद से शादी करे या दूसरे से अगर एक या दो तलाकें हुई थी तो अब वो खामंद पहले वाला जो था वो बीवी समझती है नहीं मैं उसी से ही दोबारा निकाह कर लेती हूँ अब साले आ गया कि नहीं फुला मर्द हमने ढूंढ लिया है बहुत अच्छा उससे बेहतर है तो अल्लाह तला ने उसका जवाब दिया कि नहीं वो जो पहला खामद है वो उसका ज्यादा हक है कि तुम अपनी उन औरतों को उसकी तरफ लुटाओ लेकिन ये अल्लाह ने तरगीब दिलाई है वो खामद नहीं दावा कर सकता कि जी मैं कुरानी मेरा हक आया था मैं चौके भी ले जाऊंगा नहीं ये उस सूरत में जब वो औरत चाहे कि मैं उस खामद की तरफ जाऊं पॉइंट टू बी नोटेड वो अपना हक हाँ तीन महीने के बाद खत्म कर चुका है उसके बाद ये काम नहीं वो डाल सकता तो ये घर वालों को समझाया जाए उनके खामन ज्यादा हैं उनकी तरफ लुटाई जाने के फिजाली इस्ला अगर इस मुद्दत में वो इस्लाह का इरादा करें अगर वो तीन महीने के अंदर करें फिर तो जाहिर है उसके बाद भी वाला मिसल बिल मारूफ और इसी तरह उनके भी हुकूक हैं, यानी बीवियों के भी हुकूक हैं अपने मर्दों के ऊपर दस्तूर के मुताबिक लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ वालिर वालिर रिजाली अल हिन्ना दरा चा मर्दों को औरतों पे एक दर्जा फसीलत है इसलिए भी किसी भी कंपनी का सीईओ तो एक ही हो सकता है डायरेक्टर एक ही हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर साहब जितने मर्जी बना लें एक कंपनी के दो पैनल में मैनेजर्स नहीं हो सकते जो ओवरऑल जनरल मैनेजर की नीचे तो आप जितने मर्जी भर्ती कर लें ओवरऑल चलाने वाला एक ही होगा तो ये काम नहीं हो सकता तो चूँकि ख़ानदानी एक पूरा निज़ाम है एक इदारा है तो इसका हेड अल्लाह ने मर्द को बनाया है। लेकिन हेड ये नहीं है कि मतलब बदमाशी करेगा वो तो फंस गया हैड बन के है बुखारी मुसलम हदीस है तुम में से हर शख्स मसूल है उससे उसकी राइय के बारे में पूछा जाएगा वो काउंटेबल है फिर आपने साम फरमाया कि एक मर्द जो है वो बी बच्चों का मसूल है अल्लाह के हजूर पूछा जाएगा उसे नैनो नफका दिया है कि नहीं और एक औरत मसूल है अल्लाह के हजूर इस हवाले से कि वो यानी अपनी गैब में अपने खामन की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की और उसकी औलाद की परवर सही कर रही है नहीं कर रही फिर फरमाया गया हुरान की जिम्मेदारी है वो अपनी रिया का हुक्मरान तो मारा गया जी ये तो आप मुझसे लिख के ले जाए कि हुक्मरान तो सीधे दोस्त की हैं इ माशा सर करोड़ों लोग जो हैं आप क्या समझते हैं किसी एक का भी हक नहीं निकलेगा एक गली का आंक नहीं को हुक्मरान पूरा कर सकता ये तो रोते थे सबसे बड़ी मुसीबत में हुक्मरान है आपके तो चार बच्चे होंगे दो या तीन बीवियां हो जाएंगी ना गिणोगे तो दस तो कटबंद ही बढ़ेंगे जिनका आपने हक देना है लेकिन हुक्मरान आज के दौर में तो करोड़ों लोगों का उसने हक देना है मारा जाएगा बहुत क्रिटिकल इशू है जनाब इसीलिए सही मुस्लिम की हदीस है कि बदतरीन गडरिया वो है जो हुक्मरान हो जैसे भेड़ बकरियों पे गडरिया होता है ना तो अवाम पे कौन है गडरिया हुक्मरान अगर उसने ना पूरा किया तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता बड़े क्रिटिकल इशूज है जी वैसे किसी को जनाब वर्दी पहनने का शेरवानिया पहनने का और बड़े बड़े टाइटल लेने का शौक है वो जरूर लेता रहे लेकिन ये सब इस दुनिया तक है बाद में तो मारे गए सीधी सी बात है इल्ला तो मर्द का दर्जा है लेकिन दर्जे का मतलब ये नहीं कि बदमाशी उसने करनी है वो उसने अपने हकूब पूरे करने वाह अजीज उन हकीम और अल्लाह ताला गालिब है, हिक्मत वाला है। अब तलाक मर्र तलाक दो ही दफा दी जा सकती है उसके बाद या तो बीवी को पक्का पक्का अपने पास रख लो या फिर एहसान के साथ छोड़ दो तीसरी बार तो फिर पक्की फारक हो जाएगी ना तो रखना तो दो, दो दफ़ा ही मुख्तलिफ़ औकात में आप तलाक दे सकते हैं वला या हिल्लुम अंता खुद मिम्मा आ तई तुम्हुन्ना शई आ और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जो तुमने उनको हकमहर के तौर पर रकम दी थी वह वापस दो बल्कि सूर्य निसाब में आता है अगर ढेरों सोना चांदी भी दिया है, वो वापस नहीं लेना क्योंकि उसी के अवस तो तुम्हारे लिए हलाल हुई थी अवाफ़ा अल्लाम हदूदल्लाजूस इस इसके के दोनों को अंदेशा हो के वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रखेंगे नहीं रख सकेंगे तो इसकी वजह से यहीदगी हो सकती है इन ख़िफ़ तुम अल्लाह युकीमा हदूद अल्लाह अगर तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे मियाँ बीबी का तल्लु आगे मजीद नहीं चाह सकता फ़ला जनाहा ही माफी मफ भी तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वह कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा ले ये जनाब इजाजत मिल गई औरतों को इसमें लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना औरत की भी मर्जी है अपने खामन के साथ रहे या ना रहे यानी आपकी बीवी अगर आज आपको कहती है जी तुमने मुझे हम तो बड़े रिस्क पे लगे मैं सीधी सी बात है हमने मारा तो ग्यारह सौ रुपया आग मैर लिखा हुआ है ओके जी अहला बाईसो रुपया फाड़ चल नजदा हो वैसे बाईस सौ नहीं उसको देने की ज़रूरत बस वो जो हकबर उसने लिए ना ग्यारह सौ पूरा वापस करने की बंद नहीं है उसमें से हो क्या ये पाँच सौ रख ले भाई छः सौ इतना अरसा तेरे साथ नहीं हो छः सौ ये पाँच सौ तो अल्लाह तब वो फिदिया दे के औरत जान छुड़ा सकती है अपने खामन से लादा डर डर के ज़िंदगी गुजारो या तो खामा ये समझते हैं हम जब चाहें बीवी फ़ारग कर दें बीवी भी, भी, भी जब चाहे ना खामंद को फ़ारक कर सकती है इस हवाले से कि उसे कह के भाई ये लो ये जो तुमने मुझे दिया था ये लो इसमें से कुछ रखो कुछ दो लो मैं नहीं रहना चाहती और खामद जो है वो हमें भी यहाँ पे अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं वो जनाब हमारी बीवियाँ जो है वो जनाब खुला के लिए अप्लाई कर दी है इनको खामदों के हकू ही नहीं पता हम दाजा करो भाई जिस ये तो इसी तरीके से है कि एक बीवी के जी खाम को मेरे कूक के नहीं पता इसने मुझे तलाक दे दी है जिस तरह तलाक देना मर्द का हक है वो जब चाहे दे सकता है खुला लेना औरत का हक है वो जब चाहे ले सकती है और इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई वजह नहीं है सबसे बड़ी वजह यह है कि वह आपके साथ नहीं रहना चाहती इसके पीछे क्या वजह है उसकी कोई जरूरत नहीं है ये खुद बहुत बड़ी वजह हाँ आखिरत में वो जामिया तिरमिजी हदीस है जिसने बगैर वजह के अपने खामा से तलाक ली है तो आखिरत में उसका अजाब भुगतेगी औरत दुनिया में स्टैब्लिश हो जाएगा दुनिया तो फिर जुडिशरी के निजाम पर चलती है ना या आप किसी को हुबुल वतनी के नाम के ऊपर या गुस्ताखे मजहब के नाम के ऊपर खुद कानून में हाथ में नहीं ले सकते हाँ जो उसने किया होगा अल्लाह के यहाँ आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा एविडेंस नहीं है नहीं एविडेंस अगर है तो आप मामला को आगे लेके चलेंगे तो ये अल्लाह हमारा फिर कोई नहीं है तिल का अल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं फला फलाता फ़लातादू हा तो इनसे आगे ना बढ़ो अल्लाह और जो कोई अल्लाह की हदों को तोड़ देगा फ तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो जालिम है अल्लाह की हदें तोड़ने वाले लोग जालिम होंगे। तो ये बार बार आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गुफ्तु -गु सेंटर्ड अराउंड गॉड कॉन्शियसनेस है अल्लाह का खौफ क्योंकि अल्लाह का खौफ ही एक वायद चीज़ है जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं एक मर्द अपनी बीवी के साथ ज्यादा करने से बाज आ सकता है और एक औरत अपने खावन के साथ ज़्यादा करने से बाज आ सकती है अगर उसे खौफ हो कि यार इधर तो मैं धोखा दे के चरम जुबानी से बच जाऊंगा या बच जाऊंगी अल्लाह के हजूर में कहीं ना पकड़ी जाऊं तभी वो रुक सकते हैं या रुक सकती है अदरवाइज तो फिर लोग धोखा देते हैं तो ये मियाँ बीवी का रिलेशनशिप खौफ खुदा के साथ कायम रहता है खौफ खुदा को आप बीच में से निकाल देंगे आप जो मर्जी कर लें इसीलिए मैं इस तरह की तमाम बातों पे ये जुमला बोलता हूँ कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन भी कामिल उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तकवे का अंसर उसमें शामिल नहीं होगा आगे आयात आएंगी वो इन शह अगली दफ़ा हम कवर करेंगे कि अल्लाह ताता है कि अपनी औरत को इस नीयत से रुजू करके अपने पास ना रखो कि मैं फिर महीने बाद इसको दूसरे वाली तलाक दे के जलील करके निकालूंगा अल्लाह से डर जाओ अब जुडिशरी में तो ये चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती ना कि मैंने रुजू जो है वो इसलिए किया कि मैं ऐसे नब्बे दिन बाद फिर जलील करूंगा राधा मैंने पहले किया कि मैंने रखना नहीं तो है तो अल्लाह फरमाता है राधा कर लिए फिर छोड़ दो जलील करने के अल्लाह से डर जाओ तो अल्लाह के कवानीन भी कामिल होते हैं जब खौफे खुदा उसमें ऐड हो वरना अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन में भी आप मिसचीव कर सकते हैं मेरी एक बंदे ने एक औरत नहीं रखनी वो उसे तलाक देता है जब नब्बे दिन पूरे होने लगते हैं ना पांच दिन पहले वो कहता है, मैं रुझू करता हूँ और इरादा यह कि फिर इसे नवे दिन रखूंगा मारूंगा पीटूंगा फिर इसे छोड़ूंगा फिर यह नवे दिन की मुदत पूरी फिर मैं रुझू कर लूंगा इसके ऊपर दुनिया की कोई अदालत आपके ऊपर फतवा नहीं लगा सकती लेकिन अल्लाह की अदालत में क्या आप छोड़ दिए जाएंगे नहीं अल्लाह ताली तो इन नलीम बिजात सदूर है वह सीने के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है उसने तो फिर फैसला करना है जो आपके अंदर भी है ना कि आपने किस नीयत से कोई काम किया था इसीलिए जो दीन है या रिलीजन है वो आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को हमेशा डील कर रहा होता है सिर्फ जहरी कवानीन को नहीं लेके चल रहा होता उसके बगैर जहरी कवानीन भी फिर बेफायदा हो जाएंगे कहीं ना कहीं आप कुत्ते को लाल कर ही लेंगे जिस तरह उलमा फतवे लगाते हैं ये फतवे उलमा क्यों देते हैं अगर खौफ खुदा हो तो कभी इस किस्म के फ़तवे ना दें खौफ खुदा से आ रही होते हैं तो आपकी मर्ज़ी का फतवा आपको कहीं से खेच तान के लिख देते हैं जो उलमा यहूद का भी तरीका कार था ठीक हो गया जी इसी पे से कंक्लूड करते हैं बाकी आए इन शह आयात अगली दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हक बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर दे हमारे दिलों से भी उसे महव कर दे दूर कर दे हमें किताबोसन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोहफ़ी किताब फरमाए सुबह وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله